अजीजा। फाइनली मेरे हस्बैंड जो है मुझे लकी वन मॉल लेकर आ चुके हैं और यहाँ पे दूर दूर भाग रहे हैं मुझसे। पहली दफा लेके आ चुके हैं लकी वन, कभी देखा नहीं जिंदगी में हम लोगों ने। कर लो देखा, इतनी अच्छी अच्छी सेलें लगी हुई है इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के ऊपर। अगर चाहते हो मुझे कुछ लेके देना तो सोच लो अभी, घर जाने से पहले पहले भाई लेके दे दिया जो लेके देना था, बस अब कुछ भी नहीं, घर चले। वैसे ये बहुत तेज है, ये अभी क्या करेगी मुझे पता है, ये उधर कसम निकाल लेगी जगह से। तेज हो ना क्या? कुछ नहीं भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने आज जाना है लकी वन मॉल। अभी मजा आएगा ना। वैसे ही बंदा घूम फिर लेता है, तो मैंने सिर्फ कपड़े एक्सचेंज जाना है, मगर फिर एक जो है ना वो मेरे साथ मसला हुआ है कि मेरे हस्बैंड जो है वो सुबह उठे नाश्ता किया और फिर से सो गए। जाते भी मेरे यार, तुम लोग कॉमेंट करो किस किस के हस्बैंड इस तरह करते हैं, कहीं जाना पड़ जाए तो मतलब बवाल हो जाता है जान का, इस तरह करते हैं भला। हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले। पीछे जो है ना मेरा मुन्ना ये लेटा हुआ है और ये यहाँ पे ना अपना ऑरेंजेस के साथ खेल रहा है, साथ में मैंने जो ना इसका ये लगाया हुआ है पोएम। अब हम इनके अब्बा को उठाएंगे, तो चलो उठाते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो मियाँ, ओ आलू मियाँ, ओ मेरे मियाँ उठे ना यार, तुमने वादा किया था तुम मुझे लेकर जाओगे लकी वन मॉल, देखो जरा 3 बज गए हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। हाँ तो आप क्या रात के 3 बजे लेकर जाओ। तीन बज चुके हैं और अभी भी इनकी शाम होनी बाकी है, मतलब ये आप मुझे 7-8 बजे लेकर जाएंगे, 7-8 बजे तो खैर से जागेंगे। गजब बेइज्जती है। अच्छा कैमरा बंद करो, उठता हूँ थोड़ी देर तक। मैं बता रही हूँ आपके साथ बहुत बुरी पेश आऊंगी, मैं बता रही हूँ। तो जनाब दाल मेरी ऐसे गलने वाली नहीं है, मैं बताऊँ क्या करूँगी। अब मैं ऐसा करूँगी कि मैं एक ग्लास लूँगी पानी का, उसके बाद पता नहीं मेरा हश्र क्या होने वाला है। पानी का ग्लास भरूंगी और इनकी बजाऊंगी मैं बैंड। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं वार्न कर रही हूँ, मैं पानी फेंक दूंगी। पानी गिरा तो मेरी हैरत नहीं, याद रखना। आपको पता है मैं धमकियों से डरती नहीं। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। धमकी से मेरा दिमाग खराब है, उसके बाद तुम भी देख लेना बेटा। अजीजा मैंने इनको पहले ही कहा था भाई, मैंने वार्न किया था मैं आपको पानी पिला दूंगी। अभी आप उठ रहे हैं या नहीं वो देखें, बच्चे भी आ गए ट्यूशन से। आपने मुझसे वादा किया था, आपने कहा था कि मैं लेकर जाऊंगा, अब आप उठ नहीं रहे हो यार। तुम्हारा दिमाग खराब है, बंदे सोते वैसे ही करते हैं बंदा। नहीं तो आप सो रहे क्यों? बंद करो कैमरा इसे। नहीं और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से अजीब ही है। सोने दो तो संडे वाला रोज सोने दो तो यार। आपने कल ऑनलाइन मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप यार मैं ले जाऊंगा यार, क्या कर रही है। 2000 years later. Hello guys, मैंने जो है ना अपना आउटफिट पहन लिया जो मैं पहन के जाऊंगी, और मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ जो मैंने ऑनलाइन कपड़े मंगाए थे मुस्तफा के लिए, यानी अपने बड़े बेटे के लिए, वो किस तरह के निकले हैं। निकले अच्छे, क्वालिटी अच्छी है, मगर साइज उसको बड़ा आ गया। मैंने 8-9 ईयर्स का मंगाया था, माशाल्लाह वो 9 साल का होने वाला है, मगर पता नहीं क्यों साइज काफी ज्यादा बड़ा था, ऐसे लग रहा है बड़े आदमी का आ गया। खैर तुम लोगों को दिखाती हूँ देखो तुम्हें, क्योंकि तुम लोग मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। देखो सेल में से मंगवाई थी, ब्रांडेड चीजें लेने का मजा सेल में से ही आता है। ये देखो, अच्छा हमको सिखा रही है। ये देखो इसका एक्चुअल प्राइस कितना था, 2400 था। तो ये मुझे जो है ना आई थिंक 1400 की मिल गई थी, 1000 रुपए का डिस्काउंट था। और इसके अलावा एक और ये वाली शर्ट थी, अलावा ही ये शर्ट, ये भी सेम साइज मंगाया था मैंने, और जो ना ये भी बड़ा आया मुझे, तो ये मैं अब चेंज करवाऊंगी जाकर। तो मुझे इसने बड़ी मुश्किल से उठाया, गुस्सा तो मुझे बहुत ज्यादा आया, लेकिन क्या करूं, मैंने वादा किया हुआ था, इस वजह से मैं साथ जा रहा हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल, मुस्तफा से जो कपड़े ऑनलाइन मंगवाए थे वो चेंज करवाएंगे। ये जूते पहनूं या ये पहनूं? देखो ये वाले पहनूं या ये? नहीं ये जॉगर पहनो ना। अभी एक और मुस्तफा ने नया लोचा बना दिया, कह रहा है मेरी साइकिल ठीक करवाने के लिए लेके चलो। फिर मुस्तफा तेरे कपड़े चेंज नहीं करवाते, साइकिल चेंज करवा देते हैं, निकल ले। क्या करना है इसका फिर अजीजा? वो ना निकलना है, तेरी माँ ने जो ना गले पड़ जाना। नहीं और ये हमारा तशी बाबू सोया हुआ है। हाँ ये मुझे पहनाए भाई, मुझे नहीं आ रहा। अच्छा ये शहजादियाँ जो रखी हो, ये शहजादियाँ जो रखी हो, शहजादियों को शूद खुद बनाने चाहिए। ये मैं कॉपी कर रहा हूँ आजकल टिकटॉक के ऊपर, एक लोंडा है वो माशाल्लाह से मेरी बेगम की बहुत हिदमत कर रहा है, तो इनकी हिदमत करनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो ना, आप लोगों के घर पे शहजादियाँ ना जो उनसे काम शाम नहीं करवाए, खाना नहीं बनवाए, उन्हें बोले बैठी रही माशाल्लाह मारानी है बन के, और उसके बाद हम काम करते हैं। नहीं हम लोग काम करते हैं, हम लोग रोटियाँ बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, सारा हम लोग करते हैं। क्या बात है, मैंने वीडियो रात को देखी है, मैंने कहा सही जा रहा है भाई, तू फिट जा रहा है।
अभी आप फिट होते हैं या मैं आपको फिट करूं? क्या मतलब? जल्दी करें। ये फंस गया। मैं से ज्यादा ना टीके मस्ती नहीं लेना, पता ना तुम्हें बहुत सख्त बंदा हूँ मैं। हाँ बहुत सख्त है आपको मेरा पता ना मैं कितनी सख्त हूँ। क्या तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। ए? अपने बच्चों से पूछ ले मैं कितनी सख्त हूँ। क्या 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 मजाक हो रहा है यार, मजाक भी नहीं थोड़ा बताओ। कैमरे के सामने लोग दिखा रहे मुझे। क्या मतलब भाई? ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, तुम लोग का भाई डरता डरता कोई नहीं है। आप लोग भी हिम्मत किया करो, बेगमो की जूते मुझे बना दिया करो और दो जूते लगा भी दिया करो गुस्से में आओ तो। अबे मजाक किया यार। 2000 years later. Finally, मेरे हस्बैंड जो है मुझे लकी वन मॉल लेकर आ चुके हैं और यहाँ पे दूर दूर भाग रहे हैं मुझसे। पहली दफा लेके आ चुके हैं लकी वन, कभी देखा नहीं जिंदगी में हम लोगों ने। कर लो, देखा हुआ है मैंने। नहीं है आप लोगों ने नहीं देखा तो चले आप लोगों को भाई देखो, ये ब्लॉगिंग करते हुए ना बहुत शर्म आ रही है। मैंने बोला भाई शर्म किस चीज़ की, हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं इसमें कौन सी बात है। आउटडोर ब्लॉगिंग में थोड़ी थोड़ी शर्म आती है ना बंदे को, इसलिए मुझे भाई किस बात की। वो गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, गलत काम नहीं कर रहे तो इसमें कौन सी बात है। अच्छा यहाँ पे एक और भंड हो गया, वो भंड ये था कि मेरी बेटी ने ना पापड़ लेकर आई थी घर से और पापड़ भाई खा गए। और ये देखे यहाँ पे अपने आंसू बिखेर रही है, ये कह रही है कि मतलब मेरे पापड़ खा गए। ये अल्लाह के बंदे पूछ के खाते है ना यार तुम। चलो वापसी पे जो बोलोगी मैं तुम्हें खिला दूंगी, आ जाओ। चलो जी एंट्रेंस आ गई है, अभी हम लोग अंदर एंटर होंगे और इसके साथ साथ जो है अभी बैग चेक करवाएंगे, उसके बाद आप लोग से बात करते हैं। पहले मियां एंटर होगा। नहीं ये लोंडा मैं नहीं पकड़ूंगी, आई एम सॉरी, थैंक यू। नहीं पिछली दफा याद है तुमने मुझे पकड़ाया हुआ था, पिछली दफा जब हम लोग आए थे लकी वन मॉल तो इन्होंने ये लड़का मुझे पकड़ाई रखा और मेरी कमर में बैग निकल गया था। चीटिंग करता है तो चेंज करवाने बच्चे के कपड़े। चले चेंज करवाते हैं। ये मिला है कि कपड़े चेंज नहीं हो सकते और मैंने जो इतनी मेहनत कर करके उठाया था वो सब क्या मुझे इसने बहुत तंग किया। नहीं बेबी कपड़े मुझे इसने बहुत तंग किया, लेकिन उन्होंने बोला आपने ऑनलाइन कपड़े मंगवाए हैं तो ऑनलाइन ही वापसी। देखो कितनी अच्छी अच्छी सेलें लगी हुई, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के ऊपर अगर चाहते हो मुझे कुछ लेके देना तो सोच लो अभी कर जाने से पहले। भाई लेके दे दिया जो लेके देना था, बस अब कुछ भी नहीं, घर जाने निकले। गजब बेइज्जती है। चलो फिर हम चलते हैं, उससे पहले हम रास्ते में डेरा लगाएंगे यानी के चेतन जाएंगे, फिर हम जाएंगे घर। पकाया वकाया भी कुछ नहीं है इस बंदे को, मैं बोलूंगी ना पकाया मैंने कुछ नहीं है, सही हथौड़ा लेके मेरा सर फाड़ देगा। क्यों? अबे क्या हो गया, मारता थोड़ी हूं मैं। नहीं नहीं तुम तो बड़ा प्यार करते हो, कितना मासूम। चीज खानी है तो मैं खिला दी चीज। चल टकरे मार रहा बकरा, इसीलिए हम इसको कहते हैं बकरा। ये टकरे मार रहा भाई को, गिरा मत ना, फुल मस्ती माहौल में वो टकरे मार रहा। वैसे ये बहुत तेज है, ये अभी क्या करेगी मुझे पता है, ये उधर कसम निकाल लेगी जगह। आ जाओ भैया, तेज हो ना। क्या? कुछ नहीं भाई, यूं ही। क्या बोल रहा है? मैं देख लूंगी बच्चू जी। क्या घर जाके मैंने ही देखनी है वीडियो। हीरो होंडा देना, मगर जब मैं अपलोड करूंगी तो मंडे का दिन हो गया होगा। बस तो ये हमारा लोंडा जो ठीक है काफी नाराज है, इसका मुंह बना। जब ये चुप होता ना तो ये सोच रहा था कि भारी सी फरमाइश अम्मा अब्बा के सर पे डाल ऐसे तो अम्मा बाबा के सर पे फरमाइश डालेगा और दूसरे किसी के में थोड़ी डालेगा, क्योंकि बेटे और बेटी है माँ बाप के सर के ऊपर ही तो जवान हो रहे हैं। जी जी हाँ हाँ चीज भी ले लेते हैं। फरमाइशी प्रोग्राम कभी हमसे पूछ लिया करो, अम्मा बाबा जो है ना वो बच्चों के हक क्या चाहिए आपको बताएं। सूट नहीं मिला है। 2000 years later. इस वैल्यू सेंटर ले ही आई अपने हस्बैंड को, कैसा लग रहा लौटके? थोड़ा सा सीरम वगैरह लिया मैंने और बिल घर जाके देख लिया ना। हम लोग तो बाहर ही बैठे हुए थे, हम लोग अंदर गए ही नहीं है ना, पता नहीं क्या। यहाँ पे मैं रखी गई थी क्योंकि अंदर जो है वो शूट नहीं करने देते, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम लोग जो है ना बाहर आके आप लोगों को बता देंगे। नन्ही मुन्नी सी शॉपरी जो है उसमें मैं लेकर आई हूँ मॉइस्चराइजर सीरम और क्या होता है वो मुँह पर लगाने के लिए
फिर मुलाकात होगी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।